वेलकम टू एक्सएम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रिगर को किस तरह फ्लैशलाइट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये टू स्टेप सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में हम लाइट का ग्रुप ट्रिगर को असाइन करेंगे और सेकंड स्टेप में हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी फ्लैशलाइट और ट्रिगर का चैनल सेम हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास ट्रिगर है वो है Godox X2T और जो फ्लैशलाइट हम यूज करेंगे वो है Godox AD600BM। तो सबसे पहले हम इनको ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ग्रुप असाइन नहीं है। तो हम लाइट पे जाते हैं और ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ग्रुप डी सिलेक्टेड है। हम ग्रुप डी ट्रिगर को असाइन कर सकते हैं या फिर हम ग्रुप के बटन को प्रेस करते हुए इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे कर देते हैं ग्रुप ए और अब हम ग्रुप ए ट्रिगर को असाइन करेंगे। तो ट्रिगर पे हमें ग्रुप्स के लिए सेपरेट बटन मिलते हैं। ग्रुप ए के लिए हम ए को प्रेस करेंगे और इसके बाद मोड को प्रेस करेंगे तो ये हम TTL मोड में आ जाएंगे एंड अगेन प्रेस करेंगे तो हम मैनुअल मोड में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे चैनल 7 सिलेक्टेड है तो लाइट पे भी हम चैनल 7 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चैनल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैनुअल बटन को प्रेस करेंगे और स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल करते हुए चैनल पे आ जाएंगे। फिर हम सेट बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद हम स्क्रॉल व्हील से चैनल चेंज कर सकते हैं। तो अब हम सेम चैनल लाइट को भी असाइन कर लेते हैं। लाइट पे हमारे पास चैनल 1 सिलेक्टेड है तो हम इसे चेंज करके चैनल 7 कर देंगे। उसके लिए हम ग्रुप बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो हम चैनल में आ जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल करते हुए हम इसे चेंज कर देंगे। सेट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास चैनल 7 सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास फ्लैश लाइट और ट्रिगर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं तो हम फायर करके चेक कर लेते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा लाइट्स कनेक्ट करनी हो तो वो हम किस तरह करेंगे, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ये लाइट हमने ऑलरेडी कनेक्ट की हुई है तो अब हम इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ए सिलेक्टेड है तो हम इसे चेंज कर लेंगे क्योंकि ग्रुप ए ऑलरेडी हमने अपनी फर्स्ट लाइट को असाइन किया हुआ है, तो हम इस पर ग्रुप बी सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रिगर को ग्रुप बी असाइन करने के लिए हम बी का बटन प्रेस करेंगे और मोड का बटन प्रेस करते हुए हम TTL एंड अगेन प्रेस करेंगे तो मैनुअल मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चैनल 20 सिलेक्टेड है तो हम इसे चेंज करके चैनल 7 कर देंगे। अब ये दोनों लाइट्स हमारे पास इस ट्रिगर के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।